लेकिन एक भी बैकवर्ड के आदमी को, एक भी ओबीसी के आदमी को उस निर्माण कमेटी में और वहाँ के न्यास में और वहाँ की संस्था में नहीं रखा। क्या वो बैकवर्ड हिंदू नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है क्या? बौद्ध हिंदू नहीं है क्या? एक भी नहीं रखा। सारे के सारे जितने भी मंदिर हैं, सारे के सारे मंदिरों में ब्राह्मणी पूजा करता है। पूछिए उनसे आप। अगर 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 जाति हमारा हिंदू है, मेरी जाति, आपकी जाति हिंदू है, हिंदू। अभी किस तो किताब में हिंदू है पहले? किस किताब में लिखा हुआ है हिंदू? रामचंद्र करती है सनातन में, हिंदू को राम वो है सर। एक भी शास्त्र में, भगवत गीता, रामायण, महाभारत में हिंदू नहीं लिखा हुआ है। फिर 47 के बाद में क्षत्रिय वर्ष धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वो बताइए। ये पहले बैठा हुआ था, ये मुगलों की और अंग्रेजों की चाल थी। अरे क्या मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, बौद्ध भिक्षु भक्त करुणा कर रहे हैं और एक और हैं तो बंते जी। दोनों में आपस में चर्चा हो रही थी। बंते जी कह रहे हैं इसके संवैधानिक राष्ट्र होना चाहिए। और जो दूसरे मेहमान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश ढाका। नाम मेरा जगदीश ढाका, यानी कि ओबीसी जाट कम्युनिटी से आते हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, आपने ओबीसी कैसे कह दिया? ओबीसी पूछिए उनसे। हाँ, ओबीसी कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के। भारत तो संवैधानिक राष्ट्र रहेगा या हिंदू राष्ट्र रहेगा? बनते जी वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और आप कह रहे हो संवैधानिक राष्ट्र होना चाहिए, आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई पैदा होता है, हिंदुओं में नाई पैदा होता है। जातियों के आधार पर और हिंदू राष्ट्र का मतलब है बैकवर्ड के आदमी, तीन बच्चे राम मंदिर बनाने को बाबरी मस्जिद में, बैकवर्ड के लोग मरे, ओबीसी के लोग मरे, लेकिन एक भी बैकवर्ड के आदमी को, एक भी ओबीसी के आदमी को उस निर्माण कमेटी में और वहाँ के न्यास में और वहाँ की संस्था में नहीं रखा। क्या वो बैकवर्ड हिंदू नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है क्या? बौद्ध हिंदू नहीं है क्या? एक भी नहीं रखा। सारे के सारे जितने भी मंदिर हैं, सारे के सारे मंदिरों में ब्राह्मणी पूजा करता है। पूछिए उनसे अब। अगर 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 यो बंते जी कह रहे हैं कि एक भी ओबीसी को, आप ओबीसी हो, एक भी ओबीसी को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो, एक भी ओबीसी को मंदिर निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया, सबसे ज्यादा बच्चे आपके हमारे, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? ये आप इस शुरू से चलो, सन 1947 में देश विभाजन हुआ था सिर्फ धर्म के नाम से। धर्म के नाम से 47 में विभाजन हुआ था, तो धर्म के नाम से पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू बन सकता? 47 में ही बन जाना चाहिए था। फिर गवर्नमेंट की चाल ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था या हिंदुस्तान बना था? हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान बना था। तो फिर हिंदुस्तान तो नहीं बना ना? क्यों विभाजन हुआ था? विभाजन क्यों हुआ था? जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो चले गए, जो लोग धर्म के नाम पर चाहते थे वो चले गए। सावरकर ने भी हिंदू राष्ट्र की करी थी। हाँ। तो ये जो है शुरू में जो है विभाजन हिंदू राष्ट्र में, आपकी जाति क्या होगी? जाति हमारा हिंदू है, मेरी जाति। आपकी जाति हिंदू है? हिंदू। अभी तो हिंदू है पहले। किस किताब में लिखा हुआ है हिंदू? रामचंद्र मानस करती है सनातन में, राम हिंदू को राम वो है सर। एक भी शास्त्र में, भगवत गीता, रामायण, महाभारत में हिंदू नहीं लिखा हुआ है? फिर 47 के बाद में क्षत्रिय वर्ष धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है क्षत्रिय वर्ष सूत्र बताइए। ये पहले बैठा हुआ था, ये मुगलों की और अंग्रेजों की चाल थी। अरे क्या 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 रामायण और महाभारत मुगलों ने लिखी है क्या? भगवान राम की कौन जात? भगवान राम क्या थे? भगवान एक इंसान थे पहले, और हम बताएंगे। हनुमान जी, योगी जी कह रहे हैं हनुमान दलित थे, दलित थे, जाट थे, क्या थे वो कुछ? भगवान राम क्षत्रिय थे। विभाजन के हिसाब से बाद में 47 के बाद में लोगों को रामायण गीता मनुस्मृति मुगलों ने लिखी है क्या? इतिहास रामायण गीता मनुस्मृति मुगलों ने लिखी है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि एक हिंदू गांव बना के दिखाइए। क्यों हिंदू देश है नहीं? कहाँ है? कैसे देश हिंदू है? शादी जाति देख कर होती है भारत में, धर्म नहीं। जाति देश को तोड़ने के लिए जाति बनाई है, देश को तोड़ने के लिए जाति बनाई। किसने बनाई? किसने बनाई? 47 के बाद में कांग्रेस ने। 47 से पहले जाति नहीं थी? पहले जाति, 47 से पहले जाति नहीं थी? जाति में इतना जाति नहीं थी? एकलव्य का अंगूठा किस आधार पे कटा?
नहीं है ना जवाब, ऐसे ही नाराज बना हुआ है। चिट गया, चिट गया, एक बात, एक सावरकर का नाम लेके आओ, कुछ नहीं। हाँ बोले बंदे जी, हाँ बोले बंदे जी, संविधान के बारे में कुछ बोले बंदे जी, आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? देखो, हिंदू रामनाथ कोविद था, लेकिन उसे जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया। अरे तो वर्ण व्यवस्था में है कि शूद्र अछूत मंदिर नहीं जा सकता है, तो वो तो हिंदू हो गया ना। और जो नाथद्वारा का मंदिर था उसमें जगजीव राम को घुसने नहीं दिया गया। संपूर्णानंद की मूर्ति का यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया, उसको 100 दूध के घड़ों से दिया। अरे भंते जी, राम मंदिर ट्रस्ट में तो एक भी राजपूत नहीं है, कहाँ राजपूत विरोध कर रहा है? आप लोग झूठे विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध नहीं है, यहाँ पर दो ही लड़ाई चलेंगी, एक यहाँ पर संविधान और दूसरी तरफ मनुस्मृति। ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। मनुस्मृति अच्छा है कि खराब? संविधान में मनुस्मृति नहीं है, वो कुछ नहीं है आज के दिन। मनुस्मृति की पहले चर्चा थी, अब कोई मनुस्मृति का धर्म ग्रंथ क्या? हिंदू राष्ट्र का राष्ट्र ग्रंथ क्या होगा? सनातन धर्म है, ग्रंथ क्या होगा? संविधान तो बदल दोगे फिर आप, जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो फिर आपका संविधान क्या होगा? संविधान तो संविधान क्या होगा? मनुस्मृति मनुस्मृति खत्म हो जाएगा, क्यों होगा? मुसलमान सब बराबर है, 30 करोड़ मुसलमान हिंदू है, कैसे हिंदू है? कैसे हिंदू? संस्कृति कैसे हिंदू है? कोई किसी को निकाला नहीं जाएगा। हिंदू राष्ट्र संविधान होगा, मुसलमान भी यही रहेंगे, सब यही रहेंगे। द्वयम दर्जे की नागरिकता तो नहीं, ऐसा नहीं है। और द्वयम दर्जे का नहीं होगा, और फिर कैसे होगा? मुसलमान जाएंगे, जैन कहा जाएंगे, पारसी कहा जाएंगे? तो अभी रह रहे तो क्या दिक्कत है सर? तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों रहे? तो रहे फिर हिंदू राष्ट्र 47 में बन जाना चाहिए। कैसे क्यों बन जाना चाहिए था? अच्छा संविधान बदलेंगे आप? संविधान में संविधान बदलोगे? हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा? हिंदू ये संविधान यही होगा, ये जो चल रहा है संविधान तो आपने लिखा था ना। चलिए खैर, मैं यहाँ लास्ट में एक बात कह सकता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि उनके पास में कोई, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई, उनके पास में कोई प्लान नहीं है, कोई कोई ग्रंथ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसे लोग आकर के हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं है। और ये गैर संवैधानिक है, ऐसे लोगों को ज्यादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।